इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं सुनील 2024 चैनल की जो पेमेंट है वो समझो यहाँ से रिलीज हो चुकी है, ठीक है, और फर्स्ट पेमेंट है, ठीक है। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हाँ पेमेंट अभी आई नहीं है, पर कहने का मतलब लग रहा है कि हाँ भाई पैसे आएंगे, ठीक है। अब आएंगे पैसे किस तरीके से और आपको मैं इसमें दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव, ठीक है। तो इस मोबाइल की जो स्क्रीन है आपको यहाँ पर बराबर में साइड से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी वाईटी स्टूडियो सिंपली ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर वाईफाई ऑफ कर देता हूँ, इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिर कै मंथ में यहाँ पर पैसे आ रहे हैं और इसी के साथ में पैसे कब से इसमें बनना स्टार्ट हो गए थे और आखिर इसमें पैसे हैं वो इतनी लेट क्यों आए हैं और इसका क्या रीज़न है और आखिर हम पेमेंट किस तरीके से देख सकते हैं और इसी के साथ में पेमेंट किस तरीके से हमारे बैंक अकाउंट में पहुंचेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर जो चैनल है वो आप यहां पर देख ही पा रहे हैं, ठीक है, और आप यहां पर जो डॉलर हैं वो भी आप देख पा रहे हैं 17.35, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको अपने मोनेटाइजेशन पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है यानी कि 114.33। तो इसका मतलब है जो मुझे पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे मुझे यहाँ पर 114.33 डॉलर के, ठीक है। अब ये पैसे कब आएंगे और कब मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है जो पेमेंट है वो यानी कि 21 से 26 मार्च में आपको मिल जाएगी, यहाँ पर देखने को भी मिल गया है, पर ऐसे नहीं मिलेगी। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसी तरीके से जो YouTube का पैसा है वो हमारे अकाउंट में आता है, ठीक है। अब वो किस तरीके से आएगा तो मैं आपको बता दूँ, ये पेमेंट देखो बहुत लेट आ रही है, कम से कम 3 या 4 मंथ की ये पेमेंट आ रही है जुड़ जुड़ के, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या था, मेरा था जो चैनल था वो था टेक्निकल प्रेम शंकर नाम से और वो मेरा पुराना चैनल था, तो उस पर लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पेमेंट आती है, जय है वो, तो पेमेंट देखो यूट्यूब से इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं आ पाती है, ठीक है, पर आपको रिस्पॉन्सरशिप कंपनियों की इतनी ज़्यादा मिलने लगती है कि उससे कमाई इतनी ज़्यादा होने लगती है, बहुत ज़्यादा, जो कि आप अपनी एक छोटी सी वीडियो के काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं और उसी के ही हिसाब से मेरी जो अर्निंग है वो यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। और मैंने जो पहले मेरा यूट्यूब चैनल था टेक्निकल प्रेम शंकर नाम से, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि मेरी वेबसाइट भी है जो कि shankarblog.com, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पर आप टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड आपको वहाँ पर भी पोस्ट मिलती रहेंगी। काफ़ी लोगों को अगर वीडियो देखना नहीं चाहते हैं और वो पोस्ट पढ़कर आप जो भी टेक्नोलॉजी से नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर जाकर मेरी देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपकी कोई भी राय है तो उस वेबसाइट के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, उस पर आपको रिप्लाई तुरंत की तुरंत मिल जाता है 10 से 5 मिनट में, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर जो पेमेंट है मेरी इसी वजह से यहाँ पर लेट आ रही है क्योंकि देख सकते हैं $17 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये $17 हैं, 17-17 अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग यहाँ पर 5-6 महीने हो जाते हैं, हालांकि पिन तो काफ़ी समय पहले आ गया था, ठीक है इसका, पर मैं इस पर काम नहीं कर रहा था, ठीक है, बस मैंने इस पर बना के छोड़ दिया था और कुछ वीडियो मैंने यहाँ पर डाल दी थी, तो ये मेरा वही चैनल है, तो चैनल एकदम समझो नया चैनल है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी कि आखिर यूट्यूब से पैसा किस तरीके से आता है, ठीक है। और जो मेरा दूसरा चैनल था टेक्निकल प्रेम सिंह के नाम से, उस पर एडिशन अकाउंट दूसरा था और इस पर दूसरा है, क्योंकि इस पर मैं इसे नहीं चला रहा था पहले चैनल को, पर अब मुझको ही चलाना पड़ रहा है। अब वो पैसे किस तरीके से आएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल क्रोम है वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ एडसेंस, ठीक है, एडसेंस अकाउंट, ठीक है, एडसेंस अकाउंट हमने यहाँ पर सर्च किया, उसके बाद में यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपकी मेल आ जाएगी, ठीक है।
मैं जब भी आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं, ठीक है, तो आपके पास आपसे एक परमिशंस मांगता है, जो कि आपसे परमिशंस ये मांगता है कि जो आपका एडिसन्स अकाउंट है कि नहीं है। है तो आप उसे छोड़ देते हैं, और नहीं है तो आपको एडिसन्स अकाउंट उसी समय बनाना होता है, अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपसे पूछता है, तो यही चीज़ है। और उसके बाद में आपको एडिसन्स अकाउंट आपका उसी समय बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो पेमेंट वगैरह होती है वो आपके यहाँ पर शो होने लगती है। तो जो पैसा है वो YouTube बता रहा है 21 तारीख में होता है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कि आखिर पैसा किस किस तरीके से जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेमेंट पे सिंपली क्लिक करता हूँ, पेमेंट इन्फो पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, पेमेंट इन्फो पर मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखिए पूरा सिस्टम यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 94.93 डॉलर हैं यहाँ पर, ठीक है। जब तक जो एडिशंस का रूल है वो ये है, अगर आपके 100 डॉलर नहीं होंगे तब तक आपको पैसे नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर साबित होती है, क्योंकि जब तक मेरे यहाँ पर 100 डॉलर नहीं होंगे तब तक वो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में नहीं पहुँचेंगे। 100 डॉलर का मतलब है अगर 83 रुपये का एक डॉलर है तो 100 डॉलर यानी कि 8,300 रुपये हो जाते हैं। सीधा सीधा इसका यही मतलब है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अभी तक मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने सोचा अगर इसमें 100 डॉलर ही नहीं होंगे तो पेमेंट कैसे आ जाएगी, ठीक है। तो आज तारीख है यहाँ पर 5 मार्च है, और उसके बाद में 15 तारीख को जो YouTube की बाइटी स्टूडियो से पेमेंट हमारी आएगी इसमें, ठीक है, एडिसन्स अकाउंट में। एडिसन्स अकाउंट में आने के बाद 22 तारीख में एडिसन्स अकाउंट है वो ट्रांसफ़र कर देता है आपके बैंक में, ठीक है। यानी कि बैंक में पैसा 22 तारीख को एडिसन्स से ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद में YouTube का सिस्टम है वो कुछ YouTube ने एक मेल के माध्यम से बताया था सभी क्रिएटर्स के लिए कि जो YouTube पेमेंट का मेथड है वो हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि 23, 24 या 25 तक भी पेमेंट आ जाती है, ठीक है, पर यानी कि 2-3 दिन का यहाँ पर आपको गैप मिलता है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने 22 तारीख को आपके अकाउंट में यहाँ पर रिलीज की, ठीक है, तो अब उसके बाद में 24-25 में आपकी पेमेंट आ जाती है। वरना YouTube ये भी कहता है कि 26 तारीख तक जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब YouTube ये कहता है, और एडिशंस की पॉलिसी, जब भी एडिशंस की तरफ से आपके पास मेल आएगा पेमेंट करना, तो उसमें सीधे साफ साफ लिखा हुआ होगा कि जो पेमेंट है आपके 5 दिन तक लग सकते हैं, ठीक है। 5 दिन के बाद आप अपनी बैंक जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आया है कि नहीं आया है, ठीक है। कहने का मतलब आपके बैंक में जाके चेक कर सकते हैं, नहीं आया है तो आप उन लोगों को बता सकते हैं कि भाई जो मेरा पैसा है क्यों नहीं आया है। और ये बाकायदा आपको फुल प्रूफ देता है कि इस अकाउंट में यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। कई बार ऐसा भी होता है जो पैसा है आपके अकाउंट में नहीं पहुँच पाता है, और अपनी सारी डिटेल सही डाली है तो जो पैसा है वो छुट्टी पड़ जाती है ऊपर, तो वहाँ पर ऊपर ही वो पैसा रुक जाता है 2-3 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद में पैसा आपका कहीं पर भी नहीं मारा जाता, क्योंकि मेरी जो पहले यू टेक्निकल प्रेम शंकर था तो उस पर जो चैनल पर जो पैसे आ रहे थे तो छुट्टी पड़ जाती थी, तो 2-3, 4-4, 5-5 दिन बाद लेट पेमेंट आई थी, ठीक है, पर पैसा मेरा यहाँ पर नहीं मारा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तो ये था पेमेंट आने का प्रोसेस। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जैसे ही 15 तारीख की जो YT स्टूडियो है YouTube की, वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र होता है एडिसन्स अकाउंट में, और एडिसन्स रिलीज करता है 22 तारीख में करता है। मुझे तो 22 ही तारीख को हमेशा मेल आया है, ठीक है। उसके बाद में 26-27 तक पेमेंट आ ही जाती है, ठीक है, और YouTube ने अब तो सिस्टम फास्ट भी कर दिया है तो जल्दी आ जाएगी पेमेंट, ठीक है। इसी के साथ में अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि आखिर YouTube से पैसे कमाने के लिए आखिर कौन सी कैटेगरी का हमें चैनल बनाना चाहिए। इसी के साथ में आखिर हम वीडियो से पैसे कमा सकते हैं तो किस तरीके से कमा सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि पैसा कमाने को लेकर अगर आप YouTube पर आ रहे हैं तो आप मत आइएगा, क्योंकि YouTube पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें कुछ भी गलती हो जाती है तो आपने जितनी भी मेहनत की है वो आपकी सब बेकार हो जाती है। क्योंकि मेरा जो चैनल था वो पहले, और ऐसी वीडियो पे मुझे यहाँ पर
जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक का सामना करना पड़ा था, और उस वजह से मेरा जो चैनल था वो वहाँ पर डिलीट हुआ था। जो कि प्ले स्टोर से मैंने उन एप्लीकेशंस के बारे में बताया था, प्ले स्टोर पर जो भी एप्लीकेशन होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होती है, किसी भी तरीके की फेक एप्लीकेशन नहीं होती है। जो कि जुआ से रिलेटेड है और हैकिंग वगैरह से रिलेटेड है, वो आपको प्ले स्टोर पर कभी एप्लीकेशन मिलेंगी ही नहीं। आप चेक कर सकते हैं, ना तो कोई गेम है, ठीक है, ना तो उससे रिलेटेड आपको प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन मिलेगी, रियल एप्लीकेशन, ठीक है। अगर वो एप्लीकेशन होगी तो वो गवर्नमेंट के लिए टैक्स जाता होगा, इस बात को भी आपको समझ लेना है। तो मैं अब इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से कैटेगरी के चैनल पर कमाई सबसे अधिक होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखो टैग की जो कैटेगरी है तो उस पर कम व्यूज पर भी पैसा अच्छा खासा बन जाता है, यानी कि मतलब अगर 800-900 व्यूज आ गए आपकी एक वीडियो पर तो उसका $1 बन जाता है, ठीक है। इसी के साथ में ये भी निर्भर करता है कि आखिर कीवर्ड कौन सा आपने लगाया है, कौन सा कीवर्ड आपने यूज किया है, कितना महंगा कीवर्ड है वो, ठीक है। तो उसी हिसाब से एडवर्टाइजमेंट चलती है, और उसी का ही अगर आप लॉन्ग वीडियो के थ्रू अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं तो आपको वहाँ पर 55% मिलता है और 45% यूट्यूब रखता है। और इसी के साथ में शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं तो आपको जो 45% मिलता है यूट्यूब 55% खुद रखता है, इसका उल्टा है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियोस में सीख गए होंगे कि जो पेमेंट का रूल है वो किस तरीके से है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और दोस्तों आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं ना इस वीडियोस में।